देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। गोवर्धन में आज केरल के राज्यपाल आरिफ खान रविवार को मथुरा दौरे पर आए। गोवर्धन में आयोजित एक भंडारा कार्यक्रम में शामिल होने आए राज्यपाल ने कहा कि भूमि पर वही आता है जिसे गैराज बुलाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केरल के वायनाड में आई आपदा पर कहा कि उसे राष्ट्रीय आपदा मानकर सभी को मदद करनी चाहिए। गोवर्धन पहुंचने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का मथुरा पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया। इसके बाद भंडारा समिति के पदाधिकारियों ने उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के गिरवर निकुंज में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल करीब डेढ़ घंटे तक रहे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से मुख्य संपादक मनोज सिरोही की खास रिपोर्ट। खुशकिस्मती होती है इंसान आने का मौका मिले तो गोवर्धन महाराज ने बुलाया, बहुत कृतज्ञ हूँ। वायनाड को लेकर क्या कहेंगे सर? जिस तरह बहुत ही दुखद है, कभी वायनाड बहुत ही दुखद है और मतलब ऐसा इतनी जितने विदारक घटना है कि उसको क्या कहे ये भी इंसान की समझ में नहीं आता है। क्योंकि अभी तो कल जाके जो जहाँ पे भूस्खलन हुआ है खत्म हो जाए जहाँ गिरा है पहाड़ वहाँ उसके नतीजे में क्या हुआ, पुल भी बह गया और जो नदी है उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो अभी जो हम वर्षों की गिनती करी है ये तो वो है जो नदी के रास्ता बदलने के कारण जो मौतें हुई, जो ग्राउंड जीरो है जहां असल में भूस्खलन है वहां तो अभी अब आज हो तो अलग बात है, कल तक तो वहां पहुंचे ही नहीं। तो ये बड़ी हृदय विदारक घटना है और मैं ये माध्यम से कहना चाहता हूँ और जगह भी कह रहा हूँ, ये केरला की त्रासदी नहीं है, इसको राष्ट्रीय त्रासदी माना जाना चाहिए। ये कैसे संभव है कि कहीं एक जगह लोग परेशान हो और हम बाकी जगह उस दर्द को महसूस न करें। और इतना अच्छा लगा मुझे अभी कि सुधीर भाई को मैंने परसों कहा था फ़ोन पे कि मैं ये जिम्मेदारी आपको दूंगा और उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा कर दी। पैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है भावना। केरला वालों को ये लगना चाहिए, सुदूर दक्षिण है, केरला वालों को ये लगना चाहिए कि हमारे दर्द में बाकी पूरा देश शरीक है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह के पूरे दोस्त इंडिया के लोगों से आप वायनाड के लिए? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि चाहे 2 रुपये हों, चाहे 5 रुपये हों, चाहे 10 रुपये हों, इसके ज़रिए अपनी अपना दर्द और ये बात कि हम उनके दर्द में शरीक हैं उसकी अभिव्यक्ति होगी। इस हमें नाम भी नहीं मालूम है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, शिक्षक थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने लिखा है कि भी बहुत बहुत बड़े भक्ति के कवि, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हाँ विभोर हो जाता हूं जब भी केरला की एक 15-16 साल की बच्ची जिसका हमें नाम भी नहीं मालूम लेकिन रचना मालूम, केवल 15-16 साल की बच्ची भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, अपने माँ बाप के साथ गई और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहती है रत्ना करस तब गिर हम जाया जलक्ष्मी किंदे यम अस्ति भक्ते पुरुषोत्तम आभीर गोपाल लल्ना हिरता माना साया दत्तम मनो में कौरितम गृहा